52,598 मत हासिल कर पाई थी और 5% यहां पर वोट शेयरिंग थी। मोहनलालगंज के बाद सीतापुर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी को 4,17,546 मत मिले थे, 41% यहां पर वोट शेयरिंग थी। गठबंधन 5,22,689 मत हासिल करने में कामयाब था और 51% यहां पर वोट शेयरिंग थी। बात कांग्रेस की करें तो 29,104 मत मिले थे और 3% यहां पर वोट शेयरिंग पिछली बार रही थी। सीतापुर के ये समीकरण थे और ये 14 सीटों के वो समीकरण हैं कि पिछली बार के ट्रेंड्स क्या कुछ कह रहे हैं, इस बार जनता ने क्या मन बनाया है ये देखने वाली बात होगी। ओवर टू स्टूडियो पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप जरा, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर पहले जब घर से निकले थे वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, आप पहुंचे हैं परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने वोट डालने के लिए, तस्वीर आपके सामने गोमती नगर के विपुल खंड 3 के तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से इंतजार हो रहा था, 7:15 का वक्त था, थोड़ा सा अब देर हो गया है, थोड़ी सी देरी हो गई है राजनाथ सिंह को पहुंचने में, क्योंकि 7:15 का वक्त था, 7:30 बज चुके हैं। राजनाथ सिंह मतदान करने के लिए अंदर प्रवेश करते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर की तस्वीर है, गोमती नगर के विपुल खंड 3 पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, जहां वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, तमाम सियासी दिग्गज लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं और ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं, अंदर वो आ चुके हैं, तस्वीर देखिए आप जरा, पूरे परिवार के साथ वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और इस बार राजधानी लखनऊ की जो टक्कर है वो जबरदस्त है, क्योंकि गठबंधन की तरफ से पूनम सिन्हा ताल ठोक रही हैं। वहीं एक बार फिर से राजनाथ सिंह मैदान में हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णम हैं जो अपनी जीत का अलग से दावा कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं गोमती नगर के विपुल खंड 3 की, तस्वीर आपके सामने। पंकज सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, वो भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। जैसे कि पहले ही हम आपको कह रहे थे पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, वो तस्वीर अब सामने आ चुकी है, पहुंच चुके हैं पूरे परिवार के साथ, वोट डालेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तस्वीरें आपके सामने लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, वो हर एक तस्वीर आप तक भारत समाचार पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, वोट डालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, गोमती नगर के विपुल खंड 3 की तस्वीर है और उनके साथ उनका पूरा परिवार है। तस्वीरें आपके सामने, राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर इस बार तमाम सियासी दिग्गज हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि पिछली दफा 2014 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर कब्जा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 2 सीटें रायबरेली और अमेठी को छोड़कर, लेकिन इस बार बहुत बड़ी चुनौती गठबंधन की भी है और कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। लखनऊ के अलावा धौरहरा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, मोहनलालगंज और इसके साथ ही सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, कौशाम्बी, इन सभी सीटों पर मतदान हो रहे हैं सुबह 7 बजे से और कई हिस्सों से ईवीएम खराब की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसी बीच ये तस्वीर आपके सामने, जहां मतदान करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने पूरे परिवार के साथ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भारत समाचार भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, हम भी लगातार आपसे कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही है तो आप भी हिचकिचाइएगा मत, तुरंत घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई वो भी कहीं ना कहीं आपको उत्साह से भर देने वाली थी, क्योंकि सुबह 7 बजे नहीं थे उससे पहले ही पोलिंग बूथों का रुख करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
जो संदेश ये दे रहे थे कि बाकी काम बाद में, लेकिन पहले मतदान बहुत जरूरी है, अपने लिए बेहतर सरकार अगर चुनना है तो उसके लिए मतदान करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 5 साल का वक्त आपके पास रहेगा और 5 साल के लिए आप सांसद को चुनेंगे, तो आपके पास अभी मौका है, आपके पास अभी मौका है, आप अपने मताधिकार का, देखिए राजनाथ सिंह वोट डाल चुके हैं, स्याही लगी हुई उंगली को वो दिखा रहे हैं और एक संदेश कहीं ना कहीं आपको भी दे रहे हैं कि आप भी घरों से बाहर निकलिए और मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें भी लगनी शुरू होंगी, लेकिन ये राजधानी लखनऊ के गोमती नगर की तस्वीर है, गोमती नगर के विपुल खंड 3 की तस्वीर, जहाँ पूरे परिवार के साथ राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट डाल चुके हैं, अब उनके परिवार के और सदस्य जो हैं वो भी वोट डाल रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना काम कर दिया, वो वोट डालकर आगे भी निकल चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, अवध की लड़ाई है इस बार इन 14 सीटों पर, क्योंकि कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी, दोनों जगहों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी मैदान में, और इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी है। अमेठी की अगर बात करते हैं, वहां पर स्मृति ईरानी लगातार मौजूद रही और दावा भी स्मृति ईरानी कर रही है लगातार कि बड़ी टक्कर, कड़ी टक्कर वो इस बार राहुल गांधी को देने वाली है। और राजधानी लखनऊ में भी मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि गठबंधन ने पूनम सिन्हा को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को मैदान में उतारा है। वहीं एक बार फिर से प्रधानमंत्री अटल जी की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और वो जिम्मा राजनाथ सिंह के कंधों पर है, वो एक बार फिर से मैदान में हैं और राजनाथ सिंह मतदान करके निकल भी चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं अपने परिवार के साथ, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो स्याही लगी हुई उंगली को दिखा रहे हैं और आपको लगातार संदेश दे रहे हैं, और साथ ही आपको लगातार जिन जिन प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है वो भी आपके सामने, कहां पर जोरदार टक्कर होनी है इस बार, कहां पर सीधे सीधे गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, और 2014 में वोटिंग प्रतिशत कितना रहा वो तस्वीर और वो आंकड़ा भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर के किन किन राज्यों में वोटिंग हो रही है, कहां कहां पर कितनी कितनी सीटों पर वोटिंग हो रही है वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो पूरा आंकड़ा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और साथ ही कहां कहां पर चुनौतियां बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और गठबंधन के लिए, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें राजधानी लखनऊ की, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुँच चुके हैं सुबह सुबह ही, जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, 7:30 बजे पहुंचे राजनाथ सिंह, वोट डालकर निकल भी चुके हैं पूरे परिवार के साथ, तस्वीर आपके सामने है। अब इंतजार है कि क्या वो कुछ कहेंगे वोट डालने के बाद, ये तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, क्योंकि 6 बजे से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, लंबी लंबी कतारें हम देख रहे थे सुबह से ही, लेकिन कई हिस्सों से खबरें ये भी है कि ईवीएम खराब है, मतदाता बहुत बड़ी लाइन लगाकर खड़े हैं अपने घर का काम छोड़कर, क्योंकि सुबह सुबह काम छोड़कर जो मतदाता पोलिंग बूथों का रुख करते हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब है अगर ईवीएम खराब हो जाते हैं अलग अलग हिस्सों में। पंकज भैया, अरे अरे शुक्ला जी, पंकज भैया का बाइक करना छोटा सा। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अब वहां से निकलने की तैयारी, क्योंकि वो मतदान कर चुके हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब वहां से निकलने की तैयारी हो रही है, निकल रहे हैं वो, तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर इस बार गजब का संग्राम है, गजब की टक्कर है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां हैं, जो तस्वीर है वो बदली हुई है। देखिए कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह।